ऑल द वे जाना सियाटल, बिल्कुल कॉर्नर पे यूएस के। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? जब अपना दिन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो काम होता है ना, अपना बिस्तर बनाना होता है। जो बंदा अपना बिस्तर ही ना बना सकता, उसने अपने दिन का सबसे जो पहला काम है ना, उसको स्किप कर दिया। और जिसने सबसे पहला काम स्किप कर दिया, मुश्किल है वो तरक्की करे फिर, यू नो। ये आ गया अपना कैमरा बैग, ये मैकबुक, इस ब्रीफ केस को हम यहाँ नीचे रख देते हैं। नाउ इट्स गुड। सीवी ऑन कर देते हैं और ट्रक की लाइट भी ऑन कर देते हैं। बैड बॉय में हमें फ्यूल अप भी करना है। कल हमने जब अपनी शिफ्ट की थी ना साठ बॉर्डर से, तो हमने तब फ्यूल अप किया था। 5-6 आवर्स ड्राइव करने के बाद हम इसमें करेंगे फ्यूल अप। मैं जिम का एड्रेस लगा लेता हूँ। यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है जिम, बिल्कुल हाईवे के साथ ही है। अपना ना गोप्रो नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ है। कल रात से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो बैटरियां भी मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई हैं दोनों, ऑन नहीं हो रहा गोप्रो, मसला हो गया लगता है इसमें। आज यूएस में हॉलीडे है, आज मंडे है, तो मेमोरेबल डे है इनका। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि जिम आज बंद होगी, तो मैं एक दफ़ा ना कॉल करके पूछ लेता हूँ कि जिम ओपन है या क्लोज है। Are you open today?
Oh, okay. All right, thank you. See you. Bye. हाँ जी, जिम आज ओपन है, तो ये है कि मुझे लगा था जिम बंद होगी। अपना वर्कआउट नहीं मिस करना आज का, आज वर्कआउट कर लेंगे, कल आगे तो जिम आएगी, वो मुझे पता है कहाँ पे आती है। सीनरी देख रहे हो, समर स्टार्ट हो चुका है ना, तो आपको हर तरफ ही ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आएगी। तो यूएस में भी मई जून जुलाई में ना समर होता है, खीर किस्म की गर्मी पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि यूएस में गर्मी नहीं होती, कनाडा में गर्मी नहीं होती, बहुत गर्मी होती है। आपको इस दफ़ा अपडेट साथ साथ मैं करूँगा कि कितनी गर्मी किस किस जगह पे है। तो ज़्यादा टेक्सास में गर्मी होती है, वहाँ पे ह्यूस्टन, डैलस, लरीडो, ये जो एरिया है यहाँ बहुत गर्मी होती है। पीछे किया मैंने अपना ट्रक पार्क, एक भाई वो यहाँ पे स्लीप कर रहा है। मैं सोचा था कि रात में मैं यहाँ ही आ जाऊँ, तो अरुण मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे स्लीप भी कर सकते हैं, मतलब ये वाले जो ये जो जिम वाले हैं अलाउ करते हैं कि हम स्लीप भी कर सकते हैं। तो एक और भाई आया अभी जिम करने, तो दूसरा तो स्लीप कर रहा है। वर्कआउट अपना हो गया था, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। ये वे प्रोटीन है, काफी भी इसी के अंदर पड़ी है। मुझे ना प्रॉपर अपना जो स्टफ है ना उसको सेट करके रखना है, तो ये बस मैंने ऐसे टेम्परेरी रखा हुआ। बाद में करूंगा वॉश। ये अपना मील हो गया रेडी, अभी गर्म है। वे प्रोटीन का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, आपको ऐसे लग रहा है ये खीर है? बहुत मजे का बना। ये अपनी ब्लैक कॉफी भी होगी रेडी। बाद में वॉश कर लूँगा जितने भी मेरे बर्तन हैं ना।
जो GoPro है ना अपना, वो चल नहीं रहा। तो ये है कि ये इंस्टा 360 है, इसमें माइक नहीं अटैच हो रहा, आपको पीछे काफ़ी शोर आएगा। यहाँ से निकलते हैं, इस साइड से मैं निकलूँगा क्योंकि मैं इस साइड से आया था, यहाँ से वन वे है। प्लांट फिटनेस की जिम थी, इतनी बड़ी जिम नहीं थी, छोटी सी जिम थी। बस इस लाइट से करना है मुझे टर्न लेफ्ट, साथ नहीं आई है। तो चलो 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 भाई भाई, चलो चल 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 चल। A few inches later, अभी हम मिनीसोटा स्टेट में एंटर हुए हैं, तो ये उसका वेलकम सेंटर आया, और यहाँ पे पीछे डैम भी हैं। अभी यहाँ पे मैंने अपना ड्रोन फ्लाई किया था, ये रिस्ट्रिक्शन जोन है, तो 90 सेकंड थे मेरे पास, 90 सेकंड में जो जो मुझसे शॉट बने मैंने बना लिए। वेदर देख रहे हो, तो इस शख्स आप पे हमने करना है शावर फ्लाइंग जे। तो शावर अपना बुक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, नया ट्रक स्टॉप बन रहा है। वाओ, ये नाम है स्टेट का, साउथ डकोटा साइड पर है शावर, शावर वन है, शावर वन। वाओ, लाख हो गया ना। वेलकम टू साउथ डकोटा स्टेट। शावर कर लिया, बहुत ठंडी हवा चल रही है, वैसे देख रहे हो आप, ऐसे लग रहा है ना जैसे कि ये फेक है। सीनरी देखो आप, इस साइड पे देखो और ये देखो, माशाल्लाह क्या यार खूबसूरत नज़ारा है। और ये अपना ट्रक पार्क किया मैंने रिजर्व पार्किंग में, इस ट्रक साहब पे कहीं पार्किंग नहीं थी, ये लगा है बोर्ड रिजर्व पार्किंग का। तो मैंने बस एक घंटे के लिए यहाँ करना था पार्क, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स कंडीशन, अगर आप यहाँ पार्क करते हो तो जो ओनर है वो एक्सपेंसेस का भरेगा अगर ये टो करवाते हैं। देखो शावर तो हो गया आपके भाई का, अब खाना भी तो है ना, कुछ भूख लगी है। डाइट अपनी पहले की तरह बिल्कुल सेम है, वाइट राइस ऊपर मसर, साथ में ये बीफ है बेक हुआ, और ये साथ में सैलड। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप ट्रक में क्या खाते हैं, भाई खाना ही खाता हूँ। तो जो शुरू के 2-3 दिन होते हैं ना, वो मैं घर से जो खाना लाता हूँ ना फ्रिज में रखता हूँ वो खाता हूँ, उसके बाद ट्रक में बनाता हूँ। और इस ट्रिप में मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं अपना खाना कैसे प्रिपेयर करता हूँ ट्रक में। गाइस सीन हो गया बैड, ये जो अपना GoPro है ना ये ऑन ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या हुआ है। काफ़ी मैंने YouTube पे ट्यूटोरियल भी देखे हैं कि इसको क्या इशू क्या हुआ है, मतलब बैटरी इसकी बिल्कुल ठीक है तो ऑन ही नहीं हो रहा, कल बिल्कुल सही चल रहा था। तो ये है कि इधर ही जाना ना हमने, तो ये है कि मैं तो यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी सीनरीज आती हैं, बड़े प्यारे प्यारे लैंडस्केप हैं, मैं किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। सामने आप सीनरी चेक करो, ऐसे लग रहा है फेक है, गेम है ये, राइट। सो बड़ी प्यारी सीनरी है, अपनी 320 माइल्स की ड्राइव रही है, 320 ही 329 माइल्स, और अपने पास 5 घंटे 11 मिनट की ड्राइव है।
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है हाईवे के दरमियान में, जो परे वाली लेने हैं वो बंद की हुई हैं इन्होंने, तो बस यहाँ पे सिंगल लेनी है, मतलब आने जाने की एक की लेना है। हेलो गाइस, तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट रस्ट एरिए पे पीछे निशान अपना ट्रैक किया मैंने पार्क, तो अभी मैं लोकेशन से 45 माइल्स पीछे हूँ। ये रस्ट एरिया था, इसके बाद आगे ट्रक स्टॉप भी था, तो अभी 9:30 हुए हैं सुबह, तकरीबन कोई 7:30 अपनी लॉग बुक रेडी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आपको ये रस्ट एरिया दिखाता हूँ। ये आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, ये जंगल है, यहाँ पर वो रेलिंग लगी है, परे नहीं हम जा सकते, और ये जो रोड के उस पार हाईवे के उस पार भी सामने माउंटेन है, जंगल है सारा। तो ये गाड़ियों की पार्किंग आगे और वो पीछे ट्रकर्स की, छोटा सा ये रेस्ट एरिया था। अभी हम नॉर्थ डकोटा में ही हैं, इस टाइम यहाँ पे काफ़ी सर्दी है, मैं शर्ट और शॉर्ट में बाहर आ गया हूँ। तो साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, यहाँ सर्दी बहुत होती है इन स्टेटों में, क्योंकि कैनेडा के साल लगती है ना स्टेट। एक साइड पर नॉर्थ डकोटा, उसके परे विनीपेग है, विनीपेग कैनेडा का एक सिटी है। चेक करो आप, पिलर्स हैं वैसे, अच्छे लग रहे हैं बाय द वे। तो ये पीछे रेस्ट रूम है छोटा सा, और ये रेस्ट एरिया है, यहाँ पे नोदास ट्रक पार्क है, और ये सीनरीज चेक करो, ये नॉर्थ डकोटा की है। रेस्ट एरिया पे वैसे मैं कम ही रुकता हूँ, वेलकम सेंटर हो या रेस्ट एरिया बड़े बड़े हो तब मैं रुकता हूँ, ये छोटा सा रेस्ट एरिया लेकिन मैं रुक गया हूँ। अब ये है कि आज स्लीप करते हैं, कोई चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, ये ना समझना ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। तो जैसे ये पीछे आई हुई है, ठीक है, कोई ट्रक गुजरता है ना स्ट्रीट में तो नींद डिस्टर्ब होती है। अगर रेस्ट एरिया थोड़ा सा अंदर हो ना हाईवे के, मतलब कि 500-600 मीटर अंदर हो, पार्किंग थोड़ी परे हो, तो फिर ठीक होता है, लेकिन बिल्कुल हाईवे के साथ ही है, शोर आता है। लेकिन अब हम रुके हैं, अब हम यहाँ करते हैं स्लीप। विंडशील्ड की हालत देख रहे हो, सुबह करेंगे इसको क्लीन। ये टैब की बैटरी भी लो होने वाली, इसको बंद कर देते हैं, सुबह करूंगा टैब को चार्ज। ट्रक बंद करके सो ना, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, क्या टेम्परेचर है इस टाइम बाहर। ट्रक भी न्यूट्रल नहीं किया, 17 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम यहाँ पे, वैसे तो जरूरत नहीं है एसी की, सुबह हमने अर्ली उठ जाना है। ड्रोन को पैक कर देता हूँ, अभी ड्रोन शॉट किए ना आपने देखे होंगे। बस 7:30 बजे मैंने करनी है ड्राइव स्टार्ट, 7:30। चल ले भाई, ऐसी ये जो अपना GoPro है ना, पूरा दिन इसको मैं ट्राई करता रहा हूँ कि ये किसी तरीके से ऑन हो जाए, टाइम लॉस सुनाने थे मुझे। कभी इसकी मैं बैटरी निकाल के इसको ऑन करता हूँ तार लगा के, मतलब चार्जिंग पे, कभी दूसरी बैटरी लगा के करता हूँ, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। अब दिल मेरा पता क्या कर रहा है, ये ऑन होता है, आवाज आती है, लेकिन इसकी स्क्रीन नहीं चल रही, तो मुझे लग रहा है कि इसकी स्क्रीन को काम पड़ गया। तो ये सामने जंगल है ना, उसमें इसको फेंका हूँ, पता नहीं क्या इशू, मुझे समझ नहीं आ रही। इस टाइम हम इधर हैं साउथ डकोटा में, तो ये सामने नॉर्थ डकोटा है, मतलब इसके पैरेलल है,
और इसकी मैं बात करता ये विनीपेग है, ये कैनेडा। तो मुझे इस टाइम जाना है साउथ डकोटा, मतलब सुबह डिलीवरी करके हम यहाँ से सीधा निकलेंगे मोंटाना से होके सीधा वाशिंगटन, ये सियाटल, यहाँ पे हमें करनी है डिलीवरी। ये साथ ही वैंकूवर है, ये सारा कैनेडा है, मतलब ये जो लेन है ना ये बॉर्डर लेन है, ये कैलगरी, एडमिंटन, बीसी, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ये सारा इस साइड पे कैनेडा है। ये नीचे जाके टोरंटो है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो यहाँ से हमें ऑल द वे जाना है सियाटल, बिल्कुल कॉर्नर पे यूएस के। पाकिस्तान वाला की जरा चेक करते हैं, पाकिस्तान बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये रशिया आ गया, आप नीचे जाएंगे तो पाकिस्तान है, ये सारा रशिया का एरिया, ये सारा रशिया, ये साउथ कोरिया, मंगोलिया भी इधर आया, मंगोलिया, हेयर इज माई कंट्री, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके गाइस, सो भाई को दो इजाज़त, ये तो हर रोज बोलता हूँ। ओके गाइस, भाई को दो फिर इजाज़त, तो भाई आपको मिलेगा कल सुबह। I should be dead, I should be your life. I'm old school, a shepherd and skippity. Free cruise, no time's free.